आज हम सीखेंगे कि दो अंकों की संख्या का आसानी से आप मल्टीप्लाई कैसे कर सकते हैं और उसका कुछ सेकंडों में कैसे आंसर दे सकते हैं। तो देखिए हम सीखते हैं, तो आप बस तीन बातों को ध्यान में रखिए। तो पहला आप देखिए दो अंकों की संख्याएं हैं, तो पहले आप इनका आपस में मल्टीप्लाई करिए, फिर आप इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, फिर आप इस लास्ट जो डिजिट है आप उनका मल्टीप्लाई कीजिए। तो चलिए हम समझ लेते हैं इसको एक एग्जाम्पल के माध्यम से। जैसे आपके पास दिया है 56 और 44, तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले इनका मल्टीप्लाई, तो 6 चौको 24, आपके पास कैरी कितना आया 2, आप क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए तो 5 चौको 20, 6 चौको 24, 44 और 2 कितना हो जाएगा 46, आपके पास बचा कैरी 4, अब आप इनका मल्टीप्लाई कीजिए तो 5 चौको 20 और 4 कितना आ गया आपके पास 24, यानी 2460, ये आपका क्या हुआ आंसर। तो इसी तरह आप किसी भी दो अंकों की संख्या का आसानी से आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए, धन्यवाद।